हाय फ्रेंड्स, आई एम मीतल पटेल और आज हम जाने वाले हैं अपनी जर्नी पे जिसका प्लेस एक सरप्राइज है। तो आपको पूरे वीडियो देखता रहना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सफ़र। एक्चुअली हम बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुके हैं क्योंकि कल भी हम बहुत हाइक और ये वो सब घूम के एकदम आज तो बहुत ही लेट उठे हैं। अभी बज चुके हैं 10 और हमारा ट्रिप चालू हो रहा है इतना लेट, बट हम एक्साइटेड है घूमने के लिए। तो चलिए देखते हैं बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी कार लेके हम जा रहे हैं। तो ये है हमारी कार आज की। हेलो, आज हम जा रहे हैं सिल्वा प्लाना। फाइनल हो गई है डेस्टिनेशन, तो नो मोर सरप्राइज। तो आपको पता चल चुका है हम कहाँ जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं आगे। तो आज हम पहुंचे हैं लेक मुरमुरेरा और ये बहुत ही सुंदर लेक है। मतलब इसका पानी का कलर जो था वो इतना सुंदर था और यहाँ से जो एल्प्स पे दिखते हैं वो इतने खूबसूरत दिखते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप एक साइड देखोगे तो एल्प्स दिखेंगे एंड द सेकेंड साइड पे ग्रीन माउंटेन्स है और ऐसे उस पे जो जाने का पाथवे है वो भी इतना सुंदर है। मतलब यहाँ पे जो फ़ोटोज़ आई है वो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ से जो व्यू है वो तो बहुत ही अनफॉरगेटेबल है। बस यहाँ पे थोड़ी हवाएं ज़्यादा चल रही थी तो हम ज़्यादा रुक नहीं पाए बिकॉज बहुत ही ठंड हो गई थी, बट डेफिनेटली इट इज़ अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे जो कि है सिल्वा प्लाना और यहाँ पे पहुंच के हम जाने वाले हैं लेक साइड पे, क्योंकि लेक साइड पे यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यूज़ है और यहाँ पे काफ़ी लोग वाटर स्पोर्ट्स भी करते हैं। तो मतलब आजकल हम काफ़ी एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो हमारा मन था कि चलो जाके देखते हैं ऐसा क्या होता है इधर, बट लेट्स सी। सो अभी हम लेक पे जाने के लिए ये रास्ता जो है वो सिटी के थ्रू जाता है और सिटी यहाँ का इतना सुंदर है तो मैंने उसको पूरा कैप्चर किया है ताकि आप देख सके कि यहाँ का जो हिंदी में बोलो तो गली गली सुंदर है और बहुत ही अच्छा है। तो मैंने ट्राई किया है कि जितना मैं कैप्चर कर सकूँ वो उतना अच्छे से कैप्चर करूँ। तो आप भी देखिए आगे पूरा। अभी है सिल्वा प्लाना में और ये बहुत ही सुंदर जगह थी। यहाँ पे लोग पैरासेलिंग कर रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने लिए हैं। आप प्लीज़ आके देखिए कि कितना अच्छा प्लेस है ये। यहाँ पे लेक पे बैठ के हमने बहुत एंजॉय किया और बहुत सारी बातें और चिल किया। बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल है। सो आगे देखिए कि कैसा प्लेस है ये। हो जाए जाने कहाँ कब किसी को
किसी से प्यार हो जाए। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। तुम मेरे हो, हाँ मेरे हो, आज तो वादा करते जाना शुरालिया। तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। सो यहाँ पे जब हम पहुँचे तो सबको देख के मुझे बहुत ही मन हुआ था कि मैं ये वाटर स्पोर्ट करूँ, बट हिम्मत नहीं हो पा रही थी बिकॉज लोग एकदम ही ऐसे पानी में पूरा डूब ही रहे थे। सो इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है नहीं और इतना अच्छा स्विमिंग भी मुझे आता नहीं है। सो आई वॉज लाइक कि लेट्स वॉच। फिर हम सब बैठ के देख रहे थे कि कैसे लोग कर रहे हैं और लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे थे। एक्चुअली हवा काफ़ी अच्छी थी इसीलिए लोग ये वाटर स्पोर्ट कर पा रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था लोगों को वाटर स्पोर्ट करते हुए देख के। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे बैठ के वो करी थी कि हमने एक गेम खेला था कि सबसे अच्छा रॉक कौन ढूंढ सकता है। सो बहुत ही टाइम लिमिट था उसमें, हमने 5 मिनट का टाइम रखा था जिसमें सबको अपना अपना स्टोन ढूंढना था और सभी लोग एकदम स्टोन ढूंढने में लगे पड़े थे और एकदम उसके विनर डेफिनेटली प्रेरक थे और एकदम यूनिक पत्थर उन्होंने कैसे ढूंढा था और बहुत ही मज़ा आया था हमें इधर बैठ के। और एक्चुअली बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी और बहुत ही ठंडा एनवायरनमेंट था और बहुत ही सूथिंग प्लेस है, एकदम पीसफुल। और ये वाटर स्पोर्ट देखने का अपना ही मज़ा है, मतलब जो लोग एकदम ऐसे अच्छे से करते हैं, आई मीन लाइक डेफिनेटली आई वुड लाइक टू डू इट इन माई लाइफ। बहुत अच्छा लगा था इसे देख के। अब एक्चुअली डिनर का टाइम हो रहा है तो बहुत ही भूख लग रही है, तो अभी हम कोई प्लेस ढूंढ रहे हैं डिनर के लिए। तो अभी हम सेंट मोरियस में हैं और हम अभी यहाँ पे डिनर के लिए रुके हुए हैं। हमने मस्त पिज्ज़ा और पास्ता ऑर्डर किया है। लेट्स वेट फॉर इट।